नमस्कार, मैं शिवेंद्र, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं जुर्म की दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज झारखंड में सुर्खियों में है, वो खबरें जो आप लगातार .in के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो खबरें जो आप लाइव लगातार पर देख रहे हैं। इन खबरों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सौरभ जी। आइए उनसे जानते हैं आज कौन सी खबरें क्राइम की दुनिया में सुर्खियों में है। झारखंड में आज कई खबरें सुर्खियों में रही है, जिनमें ये प्रमुख खबरें हैं। साहबगंज जिले के रहने वाले NIA के SP जया रॉय के पिता के खाते से साइबर अपराधियों ने 2 ऐप के जरिए 5,90,000 रुपये की अवैध निकासी की थी। दूसरी प्रमुख खबर है कि झारखंड में हर दिन औसतन 2 लूट की घटनाएं होती है। साल 2020 की तुलना में साल 2021 में लूट की घटनाएं में बढ़ोतरी हुई है। साहबगंज में अपराध की योजना बना रहे पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से पुलिस ने कई हथियार बरामद किए हैं। चतरा जिले के सिपुर साइडिंग से कोयले का ढुलाई ठप हो गया है। ग्रामीणों के विरोध के चलते यह काम ठप पड़ा हुआ है, जिसको लेकर RKTC कंपनी ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अंतिम में सबसे प्रमुख खबर यह है कि रांची के अड़गोड़ा थाना क्षेत्र स्थित अशोक नगर रोड नंबर 1 में फर्जी IAS बनकर रह रही एक महिला को अड़गोड़ा थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये थी क्राइम की दुनिया से जुड़ी झारखंड की आज की प्रमुख खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।